आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ फरवरी 2024 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहां का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहां पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आए हुए थे। आज है 1 फरवरी 2024 और दिन है आज गुरुवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 7:40 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। तो ये आप लोग देख सकते हैं डलहौजी में जो है ये बहुत ही ज़ोरों से जो है ये हैवी स्नोफॉल जो है ये होना स्टार्ट हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़ोरों से जो है ये स्नोफॉल होना स्टार्ट हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं 2024 की हिमाचल प्रदेश डलहौजी में पहली बर्फबारी जो है ये 30 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई थी और आज है 1 फरवरी 2024 और लगातार जो है ये हर दिन स्नोफॉल हो ही रहा है। तो बहुत सारे जो है ये रास्ते जो है ये बंद होना शुरू हो चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं डलहौजी में जो है ये हैवी स्नोफॉल जो है ये होना स्टार्ट हो चुका है। ये है हमारी कार और ये आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे जो है ये कार जो है ये बर्फ़ से ढकना शुरू हो चुकी है। देखिए ये आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज़ी से जो है ये हैवी स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही ज़ोरों से जो है ये डलहौजी में हैवी स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है। सारे जो रास्ते हैं वो बंद होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी लोग डलहौजी में होंगे और जिनकी आज ट्रेनें होगी तो वो ट्रेनें जो है वो शायद ही आज पकड़ पाए। ये देखिए ये आप लोग देख सकते हैं रोड के ऊपर जो है ये रोड के ऊपर जो है ये बर्फ है। ये देखिए कहाँ जाना है आपको? हमने तो इधर मोड़ो ना, पिछली तरफ मोड़ो गाड़ी आप। हाँ इस रूट से निकलो, ठीक है पीछे ले लो, रिवर्स करो। मेरी बात सुनो, इधर से जाओ, इधर से कम हो, इधर तो ज्यादा है। हाँ ईसा से चले जाओ, आगे लोगों को पूछते रहना ना, बता देंगे सभी रास्ता आपको। इधर नहीं जा पाएगी गाड़ी आपकी। हाँ चलो ठीक है फिर चले जाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा गांधी चौक की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि गांधी चौक में कितनी जो है ये बर्फ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो रास्ते हैं वो बंद होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी लोग डलहौजी में होंगे और जिनकी आज ट्रेनें होगी तो वो ट्रेनें जो है वो शायद ही आज पकड़ पाए। और शमशेर सर ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो बोली बैठे अगले बंदे, नहीं तो फिर क्या जबरदस्ती करनी भाई। ये आगे होटल है ना, लास्ट होटल निकलो, उस आगे खाली रोड कोई बर्फ नहीं है ना, ये हाइट है उधर डो देता उस नहीं है लास्ट होटल जेड़ा आगे है वो घाट होनी उधर रो फिर भी तो जीपी भी के फोन जान दियो ना आगे आगे फसाई है जान दो फिर ना रस्ते इस रस्ते पे है ना आठ बजकर 5 मिनट हुए हैं और मैं पहुंच गया हूँ डलहौजी गांधी चौक पे। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़ोरों से जो है ये हैवी स्नोफॉल हो रहा है और ये देखिए गाड़ियाँ जो है ये ढकना शुरू हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़ोरों से जो है ये स्नोफॉल हो रहा है और गाड़ियाँ ढकना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए ये है टैक्सी स्टैंड और सारी गाड़ियाँ जो है टाइम में निकली आओ और मार्केट भी पूरी की पूरी जो है ये अभी तक बंद है। ये आप लोग देख सकते हैं ये देखिए पूरी की पूरी मार्केट जो है ये बंद है और रोड भी जो है ये जमना शुरू हो चुका है। ये देखिए और ये है माल रोड, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 8:10 हुए हैं और पूरी की पूरी जो मार्केट है वो अभी तक बंद है। ये देखिए बीबी नंबर गाड़ी जो भी टूरिस्ट है वो धीरे धीरे डलहौजी से
निकलते हुए, ये देखिए खाली कार जो है ये लोग लेकर जाते हुए बाहर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ अब वापस से अपने होटल में, तो थोड़ी देर में आप लोगों को और आगे की जो है ये अपडेट दे दी जाएगी। निकल गई ठीक हो, बस इससे आगे नहीं है कुछ भी, ना ढलान है अब, इधर तक किसी दिक्कत है। तो बहुत सारे जो हैं ये रास्ते जो है ये बंद होना शुरू हो चुके हैं, तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर जाऊंगा घूमने के लिए और देखूंगा कि कितनी बर्फ गिरी है और कौन कौन से रास्ते खुले हैं और कौन कौन से रास्ते बंद हैं। 8:10 हुए हैं और मैं वापस से आ गया हूँ। तो ये थी तस्वीरें आज डलहौजी हिमाचल प्रदेश 1 फरवरी 2024 की सुबह की 8:10 तक की। तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर जाऊँगा घूमने के लिए और देखूँगा कि कितनी बर्फ गिरी है और कौन कौन से रास्ते खुले हैं और कौन कौन से रास्ते बंद हैं। थोड़ी देर में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से रास्ते खुले हैं और कौन कौन से रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ और नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि, हिमाचल प्रदेश, जय भारत।